नमस्कार। आज का दिन बहुत खास है, बहुत खास है इसलिए कि आप सब हमारे साथ इतने प्यार से जुड़ गए हैं और एक दो नहीं बल्कि पूरे 500, और इन 500 सब्सक्राइबर्स को मैं तहे दिल से, हमारी पूरी टीम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती है। धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, न जाने कितना कुछ हम आपको कहना चाहते हैं, आपकी सराहना करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वजह से ही हम इतना कुछ कर पाए हैं। और हर दिन, हर पल, हर क्षण हम आपके जो भी हमको कमेंट्स मिलते हैं, जो भी आप हमें बताते हैं, उसके अनुसार हम अपने वीडियोस को इम्प्रूव करते हैं, बेहतर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है कि समाज के जन जन में फैले एक सुंदर भावना और हमारा समाज बन जाए फिर से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जिसमें आप जैसे अच्छे लोग हों। और जोड़िए अपने साथ और लोगों को भी, ये हमारी आपसे निवेदन है कि आप जैसे आप हमारे परिवार में जुड़े हैं, ऐसे और भी लोग हमारे साथ जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। आपका हमारे साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियोस को देखा है पर सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप अब कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम चाहते हैं सबसे पहले हम आपको, जैसे ही कोई वीडियो डालते हैं सबसे पहले हम अपने प्रिय सब्सक्राइबर्स को नोटिफाई करें, जिससे कि वो हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख सकें और अपने जीवन में जैसा कि परिवर्तन लाते जा रहे हैं हम सब, ऐसे ही लाते जाएं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो हमारा वीडियो चैनल है इसमें 5 सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट जो कि बहुत रोचक रहा, बहुत अच्छा रहा, वो है सुनो सच्ची कहानियां। जी हाँ, ये सच्ची कहानियां लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं हैं जो आपको और हमें प्रेरित करती है कि हर परिस्थिति में कैसे हम अपने सपनों को छू सकते हैं, ले सकते हैं और अपना जीवन बहुत सुंदर बना सकते हैं। आपने हमारे इस सेगमेंट से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अपने सुझाव हमको देते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे वीडियोस को, जिससे कि समाज में सबका कल्याण हो आपके माध्यम से। जी हाँ, करते करते सुलेखा ने अपनी डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और डिप्लोमा करने के बाद सुलेखा को बहुत अच्छी एक नौकरी मिली जो कि बहुत खास थी। सोच सकते हैं क्या मिली होगी? आप सोच रहे होंगे इंजीनियर बन गई होंगी। जी नहीं, सुलेखा ने ज्वाइन किया एज ए ट्रेन ड्राइवर। हाँ, और ये ट्रेन ड्राइवर 1986 की बात है, ये पहली असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर के पोस्ट पर उसकी नियुक्ति हुई थी। पूरे एशिया में सुरेखा नंबर 1, बहुत बड़ी बात होती है। ये हैं दीपक जोशी। दीपक जोशी जिनका नाम आज बहुत सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि इनके न जाने कितने वीडियोस, कितने सेंटर्स हैं, मेरे ख्याल से 4 या 5 इनके सेंटर्स हैं मुंबई में, जहाँ पर ये अलग अलग वर्कशॉप्स, अलग अलग सेमिनार्स कंडक्ट करवाते हैं और खुद ये लेक्चर्स देने, ये लोगों को प्रेरणा देने, जगह जगह इनको बुलाया जाता है इनके वीडियो टॉक्स के लिए, और इनकी एक एक टॉक की कीमत मैं नहीं बताना चाहती, आप खुद जान जाएंगे न जाने कितनी है। और हमारा दूसरा सेगमेंट है नमस्ते जिंदगी। जी हाँ, ये नमस्ते जिंदगी जो है बहुत रोचक सेगमेंट रहा हमारा, और आगे भी ऐसे ही हम प्रयास करते रहेंगे। इसमें हमने आपको वो घटनाएं, वो कथाएं,
वो रोचक किस्से सुनाए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, और ये सकारात्मक परिवर्तन केवल शारीरिक मानसिक नहीं होता बल्कि आपकी आत्मा में भी परिवर्तन आता है। और हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने हमें बताया कि न केवल उनके जीवन में परिवर्तन आया बल्कि उनके इस सुंदर व्यवहार की वजह से उनके परिवार में इतना सुख शांति और आनंद आ गई है। तो मैं तो कहूंगी फिर से आपका बहुत धन्यवाद। ऐसा राज सिंहासन पाकर भी बेहद दुखी बेहद आहत है, और ऐसे समय में याद किया कृष्ण भगवान को। भगवान आए और उन्होंने कहा, क्या बात है द्रौपदी, इतनी उदास क्यों हो? द्रौपदी ने कहा, सब जानते हो फिर भी ऐसा कह रहे हो, बताओ ना, बोलो ना, क्या ये सब जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ? सोहम रोज मंदिर में आता था, कभी आंधी तूफान बरसात में भी वो मंदिर में आना छोड़ता नहीं था। न जाने कितने उसके अंदर प्रश्न चलते रहते थे, एक टक मूर्ति को देखता रहता था, कभी उसके अश्रु आंखों में अविरल अश्रुओं की धारा बह उठती थी, कभी वो हंसता था कभी रोता था, ऐसा ही था। एक दिन आया सोहम और बोला कि प्रभु, आप तो रोज ही पूरे संसार को चला रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, मुझे भी एक दिन दे दीजिए ना, एक दिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं देखूँ कैसे कैसे भक्त आते हैं, कैसे कैसे जाते हैं, मुझे देखने दीजिए। भगवान ने कहा, क्या बात करते हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता, ये कार्य तुम्हें लग रहा है सरल पर ये सरल नहीं है, हट ना करो प्लीज। तीसरा सेगमेंट है, ऐसे बनूंगी मैं माँ, ऐसी बनूंगी मैं माँ। जी हाँ, हमारी वो सब बहनें, वो सब बहुएं, वो सब बेटियां जो माँ बनने वाली हैं या माँ बन चुकी हैं, परिवार के वो सब लोग जिनके परिवार में ऐसी खुशी आने वाली है या आ चुकी है, हमारे इस वीडियो से उनको बहुत ज्यादा लाभ मिला है, फायदा मिला है। और हमारे कुछ गायनेकोलॉजिस्ट, कुछ हमारे डॉक्टर्स ने भी हमारे वीडियोस को बहुत सराहा है, और उन्होंने अपने पेशेंट्स को, पेशेंट तो मैं नहीं कहूंगी, जो भी बनने वाली माएं हैं उनको इन वीडियोस के बारे में बताया है। तो मैं चाहती हूं आने वाली हमारी ये जो जनरेशन है ये इतनी सुंदर हो, इतनी अच्छी हो, इतनी आदर्श हो कि पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन हो। बिल्कुल, इसके लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इन वीडियोस को बहुत सराहा। सारी महिलाएं परमात्मा के लिए बहुत खास हैं, क्योंकि जीवन देने वाले ने हम लोगों को चुना है एक नए जीवन को इस संसार में लाने के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं, जैसे ही ये खबर मिलती है कि हम माँ बनने वाले हैं, पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है ना? आपके साथ भी ऐसा ही होता हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत जबरदस्त सर्वेंट है, जैसा बोलेंगे वो वैसा ही करेगा। बार बार अगर आप ये कहेंगी, मुझे उल्टी हो गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चिड़चिड़ाएंगी घर वालों पर भी, घर वाले आपके ऊपर, क्योंकि आपका स्वभाव बदलता सब कुछ, वो भी असहज हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना है, क्या करना है? बहुत सरल काम है और ये करना ही है।
नियम से भूलना नहीं है सबको, माँ तो है ही परिवार के सब लोगों को। हमारा चौथा सेगमेंट है क्या जाने शादी से पहले। जी हाँ, क्या जाने शादी से पहले, ये भी इतनी मजेदार बात है। लगती तो बहुत छोटी सी है पर बहुत जरूरी है, और हमारे इसके सारे वीडियोस के माध्यम से मेरे पास बहुत से लोग आए जिन्होंने कहा कि काश शादी करने से पहले हमने आपका ये वीडियो देखा होता। कोई बात नहीं, अगर आपने शादी करने के बाद भी देखा है तो भी आपको फायदा मिला है, और शादी करने से पहले जो भी करने वाले हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की या परिवार के कोई भी लोग, जरूर देखिए हमारे इन वीडियोस को। और जिन लोगों ने देखा है, सराहा है, अपने सुझाव दिए हैं, उनके लिए एक बार फिर मेरा तहे दिल से, हमारी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहली खूबी है, आप सब जानते हैं, एजुकेशन। पढ़ी लिखी लड़की, कहते हैं एक लड़का अगर पढ़ा लिखा होता है तो वो खुद अपना व्यवसाय, अपनी नौकरी बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा चलाता है, पर अगर एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो उससे पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। लड़की की पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने अनुसार देखिए। मैं ये शुरू करने से पहले एक बात अपने सारे नौजवान बच्चों को बता देना चाहती हूं, जरूर कीजिए प्यार। अगर आपको लगता है कि प्यार करना बहुत जरूरी है, जरूर कीजिए, पर एक उम्र के बाद। ये जो स्कूलों में किया गया, कॉलेजों में किया गया प्यार, मैं उसे प्यार की परिभाषा नहीं देती हूं। लगता बहुत ही प्यारा है ये शब्द, पर ये प्यार नहीं होता, ये इन्फैटुएशन होता है। पांचवा सेगमेंट जो बहुत खास था, बहुत खास है, और वो खास तौर पे हमने इसलिए बनाया था कि आप इन सब वीडियोस के साथ साथ जो आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए, साथ साथ आपका एंटरटेनमेंट भी हो, मनोरंजन भी हो। और इन सेगमेंट का नाम है गाता रहे मेरा दिल। जी हाँ, गाता रहे मेरे दिल में बहुत प्यारे, बहुत सुंदर हमने गानों का संकलन किया और उनको गाया हमारी बहुत प्यारी सिंगर ने, जिनका नाम है आकृति। जी हाँ, और आपने हमारे इस सेगमेंट को भी बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। सन्याए ने जुटाए घर में चोरी चोरी, बोले कंगना मैं पहना तू अच्छा बाकी छोरी, मैं बोली नाना सैया ना कर चोरा चोरी, लोग छुड़ाया सैया ने कलैया नहीं छोड़ी है, कलैया नहीं छोड़ी। फिर क्या बात, फिर झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार में। एक बार हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। यूं ही हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा परिवार हर दिन बड़ा हो रहा है, हर दिन बड़ा हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है, जी करता है न जाने क्यों, रोज हम चाहते हैं आपके साथ बैठें, बातचीत करें और आपको वो सब दे दें जो कुछ भी हमारे पास है, और जो कुछ भी आप चाहते हैं कि हम आपको दे सकें। एक बार फिर हमारे सारे सब्सक्राइबर्स, सारे व्यूअर्स, सारे हमारे सुनने वाले श्रोतागण,
सबको बहुत 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 धन्यवाद, समस्त दुआएं, समस्त शुभकामनाएं, नमस्कार।